प्रदेश सरकार के आह्वान पर चंदौसी में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जीनियस गर्ल्स स्कूल के प्रांगण में नगर पालिका सभासदों ने 51 छायादार व फलदार वृक्षों का रोपण किया। साथ ही स्कूल प्रबंधक पवन कुमार गुप्ता द्वारा सभी निर्वाचित सभासदों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। सभासदों ने वृक्षारोपण कर नगर को ग्रीन चंदौसी, साथ ही नगर को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया। देखिए, ये ग्रीन चंदौसी और क्लीन चंदौसी की मुहिम के लिए ये चंदौसी नगर पालिका परिषद के माननीय सभासदों ने इस धार्मिक और सामाजिक स्थल से शुरू की है। मैं इन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माननीय सभासदों ने इस प्रकार इस धार्मिक स्थल पर आकर ये एक संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से इस शहर को क्लीन बनाने में और ग्रीन बनाने में ये अपना पूरा योगदान निभाएंगे। काफी अच्छा लगा, पौधे लगाए आज, अच्छा महसूस हो रहा है, वृक्षारोपण हुआ यहाँ पर। और बाकी मैं यही कामना करती हूँ ग्रीन चंदौसी और क्लीन चंदौसी रहे, सड़कें अच्छी हों ताकि यहाँ पर जितनी भी बालिकाएं लड़कियाँ पढ़ने आती हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी नगर पालिका के सभासद हैं जी, तो किस तरह से देखती हैं आप यहाँ की गंदगी को? गंदगी तो जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गंदगी है, परेशानियां हैं। अभी तक तो चंदौसी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अभी कुछ समाधान तो हुआ नहीं है और मैं यही चाहूंगी जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। यहाँ स्कूल बनने जा रहा है इतना बड़ा। तो इस मुहिम में आप कितना योगदान देंगे और कैसे इसको स्वच्छ बनाएंगे? जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं योगदान दूंगी और मैं यही चाहूंगी स्वच्छता के लिए साफ सफाई हो, अच्छी सड़कें रहें ताकि जल भराव ना हो। जो समस्या अभी मेन समस्या तो यही है, बाकी मैं यही चाहूंगी ग्रीन चंदौसी रहे, क्लीन चंदौसी रहे। मैं सर्वप्रथम तो नर्मदेश्वर महाराज के चरणों में नमन करता हूं और इस सुंदर प्रांगण में जो आज एक बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ श्री पवन कुमार गुप्ता जी के विशेष सहयोग से और उनके अपनी जगह पर, तो इसमें नगर के अपने चंदौसी नगर पालिका परिषद के सभी माननीय सभासदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये बहुत ही खुशी का विषय है। और उनके द्वारा जो वृक्षारोपण हुआ है निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक कार्य है और इससे सभासदों की एकता व इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहभागिता दोनों का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिला है। मेरी उपस्थिति यहाँ पर एक वृक्ष मैंने भी जो रोपित किया है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जीनियस गर्ल्स स्कूल में प्रोग्राम हुआ, पवन अंकल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि उन्होंने पौधे लगवाए यहाँ पे। बस यही कहना चाहूँगी कि अंकल जी से कि वो समय समय पर उनकी देख रेख करवाते रहें, बस धन्यवाद। जैसे कि ग्रीन चंदौसी क्लीन चंदौसी का नारा है, सरकार कहती है कि हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि अभी ये कॉलेज वाला जो रोड है काफी गंदगी देखने को मिली, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए ही कहूंगी कि नगर पालिका की जो सफाई अधिकारी हैं वो थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे गंदगी ना करें। अब यहाँ पे छात्राएं पढ़ने आएंगी, इतनी गंदगी बीच से कैसे निकलेंगी? वो थोड़ा हटवाया जाएगा कूड़ा, यहाँ से सुधार करवाया जाएगा यहाँ से। अच्छा, आप पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, क्या पद है आपका? मैं मेघा गुप्ता, वार्ड नंबर 3 से मेंबर हूँ चंदौसी से।